नमस्कार दोस्तों, मैं नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। और आज हम पहुंच चुके हैं देवघर। आपको बताते हैं देवघर का आप बाबा धाम, जब कभी भी आप आते हैं, चाहे सावन के मंथ में आते हैं या कभी भी आ रहे हैं, तो यहां पे आप बस स्टैंड कैसे आ सकते हैं और बस स्टैंड में क्या क्या चीजें, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। किस तरीके से बसें यहां पे ले सकते हैं और बस से आएंगे तो कैसे आप बाबा धाम जा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मेन जो एंट्रेंस गेट है वहां से जब आप इन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जहां पे बहुत सारी बसें लगी हुई हैं। अगर आप ये देखे तो देखिए जसीडी देवघर से पाकुड़ वगैरह भी ये जाती है, साथ साथ में बगल वाला देखे तो वो कहीं और जाती है, उधर जो बस लगी हुई वो कहीं और जाती है। तो बहुत सारी बसें चलती है आपको यहाँ से मधुपुर, सरावां, सारठ या फिर अनेक जगह पे, जहां कहीं पे भी जाना है उन सभी जगह के लिए आपको मिल जाता है। सबसे पहले एंट्रेंस में इन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय की सुविधा भी है, जहाँ पे आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, यानी कि नहा सकते हैं, या फिर शौचालय वगैरह जाना है तो उन सभी जगह पे आप जा सकते हैं। ये जो है फ्री वाला भी है और पे वाला भी है, दोनों यहाँ पे है। साथ साथ में यहाँ से बाबा धाम की दूरी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि ज्यादा नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं। और बसें जो है यहाँ से लाइन से लगा हुआ रहता है। अगर आप इस साइड पे देखें तो ये देखिए, ये आपका मेन एंट्रेंस गेट हो जाता है, जहाँ से आप इन करेंगे और इन करने के बाद ये सारी बसें लगी हुई रहती है और कंडक्टर ऑपरेटर यहाँ पे लगे हुए रहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा भीड़ रहता है सावन के मंथ में, तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है क्योंकि लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा रहती है और उसी कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। तो ये पूरा कुल मिलाकर देखें तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटो ऑटो सभी चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कंफर्ट होके आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही है देवघर जो है आपका बस स्टैंड, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये पहला गेट है और इसी के सामने आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं, जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं। और अगर आपको रुकना है तो इसके नियरेस्ट में बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, यानी कि स्टे कर सकते हैं। यहाँ से बाबा धाम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जो कि कोई भी ये ऑटो जो जितने लगी हुई है ये ऑटो वाला आपको ले जाएगी, 10 रुपया यहाँ से लिया जाएगा, 10 रुपया यहाँ से वो आपको बाबा धाम का गेट के पास छोड़ देगा। वहाँ से आप पैदल जाएंगे शिवगंगा में स्नान करके और फिर बाबा धाम का जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस स्टैंड में जैसे ही आएंगे मेन एंट्रेंस गेट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंडक्टर वगैरह, और ये जो है पूरा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, साथ साथ में यहाँ पे खाने पीने के लिए अलग अलग लगा हुआ है। और यहाँ पे बसें की संख्या देखिए बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको यहाँ से गोड्डा, रांची, देवघर, फिर और भी कहीं पे भी जाना हो, चाहे आपको कोलकाता वगैरह जाना हो या फिर झारखंड के कोई भी हिस्सों में, झारखंड के कोई भी डिस्ट्रिक्ट जाना हो, उन सभी जगह के लिए आपको यहाँ से बसें मिल जाती है। तो लगातार बसें चलती रहती है, माल वगैरह भी यहाँ पे लोड होता है। ये सामने के लोकेशन में आपको दिख रहा है माल भी लोड हो रहा है। तो ये बस स्टैंड है जो कि देवघर का बस स्टैंड है, बहुत ही बड़ा है, सामने एक आपको टंकी मिल जाएगा। और ये बस स्टैंड का पूरा जो है देख सकते हैं दृश्य है, जो कि बहुत संख्या में लोगों की जनसंख्या रहता है। और यहाँ से बाबा धाम बिल्कुल नज़दीक है, आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हो। देख सामने वाले जो रूट दिख रहा है हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये जो है ये आगे जाएंगे तो एक चौक मिलेगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट जाना है, किसी को पूछिएगा वो बता देगा। तो यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये जो ऑटो चल रही है इन ऑटो को भी आप ले सकते हैं। तो यही है कुल मिलाकर बस स्टैंड, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सामने के लोकेशन में आपका कंडक्टर वगैरह लगे हुए रहते हैं और बहुत सारे यहाँ पे बसें वगैरह भी लगे हुए रहते हैं। तो ये पूरा जानकारी था देवघर का, देवघर बस स्टैंड का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दें जब कभी भी आप आते हैं तो यहाँ से बसे से आएंगे तो यहीं पे आपको बहुत सारे होटल का ऑप्शन मिल जाएगा। होटल जो है 500, 600, 400, 300 जिस तरीके से आपको गेस्ट हाउस लेना है तो वो कम में मिल जाएगा। धर्मशालाएं भी यहाँ पे देवघर में मौजूद है और साथ साथ में शिवगंगा के बगल में भी मिल जाएगा, बाबा धाम के बगल में भी मिल जाएगा। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो कि देवघर में मौजूद है, ये झारखंड में पड़ता है। और यहाँ पे कुल मिलाकर लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा रहता है, सावन के मंथ में जो है सबसे बड़ा मेला भी लगाया जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे काफी संख्या में लोग आते हैं। और ये पीछे के जो है आप देख सकते हैं शौचालय बना हुआ है और इधर जितने हैं ये बसें वगैरह लगी हुई है। तो बहुत सारे बसें यहाँ पे रहती है, कभी भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, खाने पीने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। आपको यहाँ से ऑटो लेना है, 10 रुपया लेगा, बाबा धाम को छोड़ देगा। अगर आप होटल लेते हैं ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऑफलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ से जसीडी रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो लगभग 6 से 7 किलोमीटर पड़ जाएगा। देवघर जो है एयरपोर्ट की बात करें तो वो 10 किलोमीटर समथिंग आपको पड़ जाएगा, जो कि यहाँ से आपको टोटो वगैरह मिल जाएंगे। और अगर हम देवघर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो आपको 2 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर बीच बीच में है और ये बिल्कुल मार्केट में मौजूद है। यहाँ से जैसे बाहर निकलिएगा आपको बहुत सारे खाने का ऑप्शन, साथ साथ में होटल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाती है। तो कुल मिलाकर यही है देवघर बस स्टैंड का। और भी कोई जानकारी चाहिए बाबा धाम से तो हम पूछ सकते हैं आप कमेंट में। और लगातार हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं बाबा धाम का। ये पूरा जानकारी था देवघर बस स्टैंड का। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और यही है पूरा कुल मिलाकर अगर हम देखें
तो यही है देखिए, यही है बस स्टैंड जो कि कुछ इस तरीके से मिलेगा और मेन इंट्रेंस गेट सामने के लोकेशन में, और कुछ इस तरीके से यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो अलग अलग एग्जिट पॉइंट है इसका जहाँ से आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं बाबा धाम का। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा।